और अभी अपने को जिस बस में ये सामान देना है वो है गोरखधाम, तो देखते हैं लगी है कि नहीं। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अंदर ब्लॉग। अभी हो रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं जस्ट मुंह धो के अभी आ रहा हूँ छत पे भाई, और मुंह धोने के बाद डबल ठंड लग रही है, तो इसके वजह से हमने थोड़ा सा आग जलाया है यहाँ पे सोन पापड़ी का, ये है। बाकी जो लकड़ी है वो नीचे है, और वो जो हीटर है वो तो खस्सी छोड़ नहीं रहा, तो वो सेक रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा आग जला लेते हैं थोड़ा बहुत। इसका हीट थोड़ा ज्यादा होता है, और आज का मौसम भी आप लोग देख सकते हो एकदम चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, और वैसे ही ठंड है भाई आज भी। और जमजम भी सुबह सुबह उठ गया, आज गाजर का हलवा खा रहा है, ये तो रोज उठता है। और वो क्यों उठता है भाई मुझे पता है, सुबह सुबह उठ के ये गेम खेलने बैठा। गेम नहीं खेलता मैं, गेम ही खेल देते तुम भाई। फिर बाद में मैंने बोला शेड्यूल कर दो ब्लॉग, ये जब उठ गया था ना तो मैंने बोला कि ब्लॉग तुम ही अपलोड कर दो, टाइटल वाइटल सब कुछ मैंने दे दिया था इसको थंबनेल। बाकी आज मैं जल्दी उठाऊं क्योंकि आपको पता है कि आज सामान जो है लेके जाना है बस स्टैंड, और आज कॉलेज भी खुला है भाई, पता नहीं इतने ठंड में क्यों खोल रहे हैं कॉलेज, तो वहां भी थोड़ा सा घूम लेंगे। और यहां पे एक चीज दिखाता हूं मैं आप लोगों को, ये देखो भाई, ये देखो यहां पे लट्टू खेल रहे हैं ये लोग, पहले मैं भी खेलता था, देखो देखने लग गए कैसे खेलो खेलो खेलो। इतनी सुबह सुबह बताओ नींद, सुबह सुबह उठ के भाई एट मार दिया भाई इसने, ले गया भाई उसका लट्टू। आज आओ जो आग के पास खत्म हो जाएगा वरना फिर मजा नहीं आएगा। और अभी भाई मैंने टी शर्ट पहना है, अम्मी का शॉल डाल लिया है ऊपर से ताकि ठंड ना लगे, और फिर से एक ट्रेन जा रही है, बट आज ट्रेन दिखेगी नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा ही कोहरा है। ये देखो इधर कुछ नहीं दिख रहा भाई इस साइड में तो, और इस साइड में भी कुछ नहीं दिख रहा। एक हफ्ते हो गए धूप हो ही नहीं रहा, एक हफ्ते 10 दिन हो गए भाई धूप ही नहीं हो रहा, और आज सुबह का टाइम है इसलिए कोहरा ज्यादा है। अभी ब्रश कर लिया मैंने, थोड़ा बहुत आग सेक लेते हैं, उसके बाद नाश्ता करके फिर निकलेंगे भाई बस स्टैंड और कॉलेज के लिए। ये भाई गाजर का हलवा सुबह सुबह आया है, जो लड़का उस दिन लेके आया था गाजर का हलवा वही लेके आया, मस्त है वैसे। भाई यार इतने ठंड में कोई नहाता कैसे होगा, समझ ही नहीं। कोई नहीं नहाता, नहाते भी हैं तो पानी गर्म करके, एक एक दो दो महीने पे पूरे ठंड में बस दो बार नहाओ बात खत्म, या फिर हफ्ते में एक बार, फ्राइडे टू फ्राइडे तो नहाना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। बस जनवरी खत्म होने वाला है, उसके बाद फरवरी में तो कम ठंड होगी, और फरवरी में ये डे वो डे बहुत डे आएंगे, उसके बाद तो भाई दिन खत्म फरवरी भी, और मार्च से आ जाएगा भाई गर्मी। परान को इतनी ठंड लग रही थी कि वो बोल रहा कि भाई एक और कंबल उड़ाओ, मैंने अपना कंबल दे दिया उसको, एक कंबल में उसको ठंड लगी। वो तो 1 बजे उठेंगे। फरहान 1 बजे उठेगा भाई, उसका तो अलग ही उठेगा, खाना खाएगा ट्यूशन चला जाएगा। 1 बजे उठेगा और 2 जब तक बच जाएगा उसके, उठते उठते 1 बजे उठेगा, खाना पीना खाते खाते 2:30 बज जाएगा, उसके बाद स्कूटी लेकर ट्यूशन उठते भी तो अंदर रील देखते हैं कंबल में ही। हाँ वो उठता भी है तो प्रॉपर नहीं उठता, पहले कंबल में ही गाने वाने सुनेगा, रील देखेगा या फिर कनेक्ट करके वो गाने वाने सुनता रहता है, उसके बाद उठेगा खाना खाएगा जब तक ट्यूशन का टाइम, फिर स्कूटी चला जाएगा ट्यूशन, और ट्यूशन से आएगा तो 4 बज जाएगा, फिर उसके बाद टीवी देखेगा, दिन खत्म उसका, यही चल रहा है भाई उसकी जिंदगी में। सोचो ये शॉल मैंने हटा दिया तो भाई टी शर्ट पे कितना ठंड लगेगा यार, आग है ना, नहीं लगेगा ना, पीछे से लग रहा है ना, आग सेक रहे हैं तो भाई ऐसे क्यों। आगे पीछे चारों तरफ बदमाश लग रहा हूँ ना इस पे सॉल पे। हाँ लोग सॉल पे रील डालते हैं कि भाई बदमाश लगना चाहिए, बदमाशी वाली फील आ रही है ना। और ऐसे एक रील डाल दो तो और बदमाश हो जाऊंगा मैं ऐसे करके, ये सब बदमाशी वाले रील्स वाले बनाते हैं भाई। भाई भाई साथ में आ जाए, एक दोस्ती ऑन टॉप वाली फोटो डाल दे भाई, भोका खाना नहीं बहुत खा लिया मैंने, रेहान खाता है भाई, रेहान आधा केजी है कम से कम, रेहान रेहान जमजम बनी सब खा लेंगे, वैसे मस्त है यार। सुबह सुबह चलो नाश्ता करने के लिए गाजर का हलवा मिल गया भाई, थैंक यू उनका जिन्होंने भेजा है। कपड़ा कितने दिनों से है भाई, सूट ही मिला 3-4 दिनों से है, इसमें स्कूल ड्रेस भी है मेरा, कल स्कूल भी जाना है। ये देखो भाई इतना पतला कुर्ता नहीं सूख रहा यार, 3 दिन लग गए इसको सूखने में, आज आज है 3रा दिन, 2 दिन हो गए आज 3रा दिन, आज भी नहीं सूखेगा, इसको छोड़ के जाएं। हाँ बुझा देंगे, आग लग जाएगा भाई, दिक्कत हो जाएगी, बुझाने को बोल तो रहा हूँ मैं जा रहा हूँ नीचे चेंज करने, बुझा के आ जाऊँ। चलो भाई मैं तो चलता हूँ नीचे, 10 बजने वाले हैं, थोड़ा कपड़े वपड़े चेंज करते हैं और हम बुझा दो और चलता हूँ मैं, क्योंकि अभी बस स्टैंड जाना है फिर उसके बाद कॉलेज भी जाना है, लेट्स गो भाई। लाइट जा चुकी है, अभी पूरा अंधेरा हो चुका है भाई, बस एक लाइट ऑन है वो भी इन्वर्टर का, और ये अभी है गैस पेपर, जो हारिस है मेरा दोस्त नानी के गांव का, तो उसका गैस पेपर है, उसको देने जाना है अभी, वो आ रहा है उसका प्रैक्टिकल, लो लाइट अभी अभी रोड पे वो आ रहा है भाई, वहाँ पे मेरा रोड के पास, तो वहाँ पे अभी उसको जाके देता हूँ मैं। और अभी हारिस का कॉल आया था, वो पहुंचने वाला ही होगा बस, तो उसको ले जाएगा जल्दी से भाई। यार ये इसमें बहुत प्रॉब्लम है भाई, बदमाश वाले लोग में जा रहे हैं ना, बदमाश डर जाएगा वो, हम बहुत शरीफ आदमी है भाई, बदमाशी हमसे ना हो पाएगा। जल्दी से चलते हैं, जल्दी से उसको देके फिर आता हूँ भाई, फिर चलूंगा मैं, अभी कॉल आया था उसका पहुँचने ही वाला होगा, मैं भी पहुँच गया होगा भाई, और वरी से उसका भी है 12th का बोर्ड। लो गाइस पहुंच चुका है हारिस यहाँ पे, ऑलरेडी आ चुका है भाई, है ठंड में भाई कितने मेहनत कर रहे हो किस चीज के लिए इतना। अच्छा ऑटो से, ये लो भाई अपनी अमानत, बैग वैग लेके आज स्टूडेंट लग रहे हो, प्रैक्टिकल खत्म नहीं वही जा रहे हैं,
लास्ट है? हाँ बायो का है आज, लास्ट है। लास्ट। और पेपर कब से? फरवरी एक से। बेस्ट ऑफ लक, पास होना भाई। वालेकुम सलाम। मेहनत कर रहा है भाई। चलो आज इसका लास्ट बायो का प्रैक्टिकल है, फिर 1 फरवरी से है फाइनल बोर्ड का एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक हारिश भाई, टॉप मारेगा भाई देखना। 70% से तो कम आएगा नहीं। पढ़ाई भी इसने कहाँ करा यार, पूरे साल घुमा है बस। देखते हैं जो भी होगा। अभी मैं चलता हूँ घर। और भाई फरहान भी उठ गया है घर आने के बाद पता लगा, और रेहान भी उठ गया है भाई। कितनी अच्छी बात है, फरहान आज बहुत ज्यादा जल्दी उठ गया, तो इसकी इस खुशी में मिठाई बांटा जाएगा पूरे गाँव में। 10 बजे 1 बजे तुम उठते हो? नया क्या है, कितने बजे उठता है ये? कभी कभार 12 हो जाता है, 10 बजे। 1 बजे उठता है, 2 बजे ट्यूशन चला जाता है। मेरे को लगा कि ये गांव में 4-5 बजे सो रहा है, फिर से लाइट चली गई। यार यहाँ का सिस्टम बहुत ज्यादा अलग है भाई, सिस्टम है भाई। इसलिए तुम लोग बोल रहे हो कि भाई मैं लाइव क्यों नहीं कर रहा हूँ, लाइव क्यों नहीं कर रहा हूँ। एक तो मौसम खराब हो रहा है तो इंटरनेट नहीं चल रहा, और दूसरी प्रॉब्लम ये है लाइट का, क्या करूं मैं उसमें। 10:30 हो गया, अभी फटाफट से जूते डालता हूँ और फिर निकलते हैं भाई अब अपने काम के लिए। क्या मस्त अंधेरा है, ब्लू ब्लू। पीसी खराब हो गया, ये देखो ऑटोमेटिक एरो इधर उधर जा रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। वो हो गया होगा, थोड़ी देर के लिए ग्लिच होगा, रिस्टार्ट कर तो हो जाएगा ठीक। ये तो भाई अम्मी का है, लेडीज है, तो इसको हम बाहर पहन के नहीं जा सकते, बिस्ती हो जाएगी वरना। यार इसमें ये कढ़ाई नहीं रहता ना, ये डिजाइन, ये प्लेन रहता ब्लैक, तो पहन के जाओ कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डिजाइन है तो लेडीज है ऐसा समझ आ रहा है भाई। तो सामान भारी हो गया है भाई, अब अम्मी ने पता नहीं इसमें क्या क्या डाला है खाने पीने के लिए। अब जो भी है हमारा काम है भाई पहुंचाना। ये टी शर्ट छोटा रखे रहे? नहीं सही होता, अरे मस्त लग रहा है। मतलब जींस के हिसाब से छोटा लग रहा है, जींस के हिसाब से छोटा लग रहा है बेटा। चेंज तो नहीं कर सकते छोरी? ना ना क्यों नहीं कर सकते, रहने दीजिए। ना ना छोटा है तो भाई, जींस इतना लूज है और बड़ा जींस है भाई, टी शर्ट क्यों रहेगा छोटा हो रहा है। तो वही ये बोल रहा है कि चेंज नहीं कर सकते हम, छोटा हो रहा है। जींस देखो कितना लूज है, जींस बड़ा है और ये छोटा है। काम करो येलो वाला टी शर्ट पहन लो, वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। कोई बात नहीं यार, अभी फरहान भाई ड्रेसिंग सेंस इससे पूछो, फरहान को पता है ना सब कुछ। जैन वाली का फैन ऐसे ही थोड़ी है भाई, मजाक है क्या? बने येलो वाली टी शर्ट डबल XL, वो तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। ये टी शर्ट सही है, अच्छा लग रहा है, लेकिन ये इससे भी बड़ा है, ये कुछ ज्यादा ही डबल XL, इससे भी बड़ा है। इसको थोड़ा सा फोल्ड करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, जींस पे थोड़ा फोल्ड कर देना। ओके भाई चलो, यही है सामान, अभी इसको पहुंचा देते हैं भाई जगह पे। चलो तो अभी मैं बस स्टैंड पहुंच चुका हूँ, और आप लोग देखो भाई चारों तरफ बस ही बस है। ये इस साइड में इतनी बस, इस साइड में इतनी बस, पीछे सुबह का टाइम है ना, तो सब यूपी और दिल्ली के लिए निकलने वाली है। और अभी अपने को जिस बस में ये सामान देना है वो है गोरखधाम, तो देखते हैं लगी है कि नहीं। और यार मैं जल्दी जल्दी में नाक पे लगाना फिर से भूल गया यार, अभी मेरे नाक से पानी आना स्टार्ट हो गया फिर। भाई गोरखधाम, हाँ किधर है? बुकिंग नहीं है, सामान देना है। किधर है गोरखधाम बस? किधर है? और उसका काउंटर इस वाले के आगे, पेड़ के नीचे है गोरखधाम, इस वाले पेड़ के नीचे। हाँ। थैंक यू भाई। सामने है भाई गोरखधाम का काउंटर और बस, वहाँ पहुँच के बस सामान देके अपने को निकल जाना है। एसी बस, नॉन एसी बस, भाई साहब बस ही बस है चारों तरफ। महमूद अंकल नीचे रख दिए, अभी सामान रख दिया है, जब बस जाएगी, जब बस खुलेगी के बाद भाई पहुंच जाएगा अपना सामान। अभी हम पहले पहुंचते हैं कॉलेज, 11 बज गए यार, 11 से ज्यादा ही हो गया। जल्दी जल्दी में मैं कुछ ना कुछ भूल ही जाता हूँ, ये पता नहीं हैंडल लॉक होगा कि नहीं, होगा ही, किया था मैंने। बाइक के मामले में नो कम्प्रोमाइज यार, फोन पकड़ा नहीं जा रहा ठंड की वजह से, हाथ ऐसा टाइट हो गया है ना क्या बताऊं मैं। ये सामने लगी अपनी बाइक, उठाते हैं अभी और चलते हैं। अभी गाइस पेट्रोल ले रहे हैं, थोड़ा सा पेट्रोल खत्म है भाई, देखो एकदम पेट्रोल ले लेता हूँ मैं 20 से ही, वरना फिर जाके आगे से फिर दिक्कत होगी। फुल कर दीजिए। QR कोड भाई वहाँ पे, ये रहा भाई QR कोड, पेट्रोल डलवाओ इधर से, इधर कहीं QR कोड नहीं है, यहाँ पे करो भाई का ये दिमाग है, बिजनेस माइंड। हिसाब किताब में गड़बड़ ना हो इसकी वजह से, 1 रुपया भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। आया? हाँ आ गया ना। अच्छा लिखिएगा भी क्या? अरे भाई वहाँ देंगे भाई, यार ये तो अलग अलग यहाँ पे रूल है भाई। उधर मैं डलवाता था तो उधर से बस तेल लो, पैसे दो जिससे डलवाया उसको ही, और घर चलो भाई। ये लीजिए, इससे ये पता लगेगा कि पेमेंट हो गया। वाह भाई सिस्टम ओपी। तो गाइस अभी कॉलेज में पहुंच चुके हैं भाई, ठंड बहुत ज्यादा लग रहा है यार कसम से, मेरा हाथ इतना ठंडा हुआ है ना, अभी आग सेकूंगा मैं। गाड़ी यहाँ पे लगा दिया है, चलो थोड़ा बहुत आग सेकते हैं भाई, हाथ बहुत ज्यादा ठंडा हुआ है मेरा यार। अभी क्लास नहीं चल रहा था तो हम लोग ग्राउंड में थोड़ा सा भाई गपशप कर रहे हैं, और ये देखो भाई सामने यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए इसको प्रॉपर अच्छे से बनाया जा रहा है, ताकि कोई दिक्कत ना हो बॉलिंग में और बैटिंग में। और उस साइड पे क्रिकेट खेल रहे हैं ये लोग,
और इस साइड अभी बन रहा है अच्छे से। ये देखो गाइस एक यहाँ पे ड्यूक 200 सेम टू सेम, और एक ये ड्यूक 200 डिक्टो भाई सेम टू सेम है, बस फर्क इतना है कि वो बिहार नंबर है और ये दिल्ली नंबर। अभी कबार तो मेरे को ये लगता है कि भाई यही मेरी है। ये देखो आपकी भाई, इसको भी लेके चलें क्या यार, दूर दूर जाएगी। यहाँ पे हम लोग फिर से फंस चुके हैं भाई सिग्नल के पास, और ये देखो यार ये गाड़ी बहुत परेशान कर रही है। और एक चीज दिखाऊं गाइस, ये देखो ये सामने लगी है फॉर्च्यूनर 0001। ये बात भाई सिवान में भी दिख गया, बताओ। अभी 14 था टेम्परेचर, अभी 11 हो गया लो भाई, और 9:26 हो रहे हैं रात के अभी। मस्त हमने भाई खाना पीना तो सबने खा लिया है। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप आप लोगों को मजा आएगा, पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा।